नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम इंसानों की सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या है, सबसे कॉमन डिसीज़ क्या है जो हम सबको होती है? एक बार सोचिए और मैसेज सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको कौन सी बीमारी सबसे कॉमन लगती है। मैं बताता हूँ, दांतों की सड़न, टूथ कैविटी या टूथ डिके। ये समस्या लगभग सबको होती है, कभी ना कभी ज़्यादातर बच्चों को होती है या बुज़ुर्गों को होती है, लेकिन यंग एज में भी होती है। तो आज हम टूथ डिके, टूथ कैविटी या दांतों की सड़न की सबसे बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताएंगे, जिसको यूज़ करने से दांतों की सड़न में तुरंत आराम लगेगा, दांत दर्द ठीक होगा और कैविटी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है और पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में, आखिरी तक आप ज़रूर बने रहिएगा। मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है, वहाँ पर जाके आप मेल कर सकते हैं, कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। चलिए सीधा टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों, हमारे मुंह में प्लाग बैक्टीरिया होते हैं। जब हम मीठा खाते हैं या खट्टा खाते हैं, वो बैक्टीरिया भी मीठा खाते हैं और खट्टा खाते हैं हमारे साथ साथ, और फिर उससे एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ये एसिड दांतों को कमज़ोर करता है, धीरे धीरे हमारे दांत के इनेमल को ये कमज़ोर कर देता है, जो कि हार्डेस्ट टिश्यू है हमारे शरीर का, उसे धीरे धीरे ये ख़त्म करता है, अंदर पेनिट्रेट करता है दांतों के, और फिर ये डेंटिन को भी ख़राब कर देता है। और जैसे ही ये डेंटिन को ख़त्म करता है, आपको दिखने लगता है दांतों की सड़न आपको सामने दिखने लगती है, और फिर अंदर और पेनिट्रेट करता है, पल्प तक जाता है, पल्प को भी डैमेज कर देता है और एब्सेस फॉर्मेशन, वहाँ पर पस फॉर्मेशन होती है और इन्फ्लामेशन, सूजन होती है, जिसके कारण दर्द भी होता है हमारे दांतों में। और दांतों का दर्द हमेशा असहनीय होता है, क्योंकि दांत का दर्द सीधा यहाँ बहुत तेज़ दर्द होता है। मुझे भी हुआ है तो मुझे पता है कि कितना दर्द होता है। आप शरीर में कोई भी दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं, दो दर्द बर्दाश्त करने के लायक नहीं होते, एक तो दांत का दर्द, दूसरा किडनी स्टोन में जो दर्द होता है उसे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुरंत आपको डेंटिस्ट को दिखाना होता है। मतलब अगर दांत में दर्द है तो डेंटिस्ट को दिखाइए, अगर किडनी स्टोन का दर्द है तो आप यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए। तो आप तुरंत डेंटिस्ट को दिखाते हैं। अब सीधा चलते हैं हम होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ, कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन का आप उपयोग करें जिससे ये जो टूथ डिके है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाए और जल्दी आराम लगे। तो सबसे पहले कुल्ला करने की दवा। देखिए, अगर बच्चों को प्रॉब्लम है, दो दवा से कुल्ला कराएं होम्योपैथी की। पहली है कैलेंडुला। दोस्तों, कैलेंडुला बैक्टीरिया को मारती है, एंटीबायोटिक जैसा काम करती है, इन्फेक्शन को ख़त्म करती है और इन्फ्लामेशन को भी कम करती है, दर्द में आराम पहुंचता है। दूसरी मेडिसिन है प्लांटेगो मदर टिंचर। प्लांटेगो मदर टिंचर मोस्टली ये दर्द के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है, और जो दांत में डिके हुआ है, कभी कभी बोलते हैं ना दांत के अंदर जो कीड़ा है, वैसे कीड़ा नहीं होता वो, तो दांत के अंदर जो इन्फेक्शन है, जो बैक्टीरिया है, उसे ये ख़त्म करता है। और सबसे ज़्यादा ये दांत के अंदर जो दर्द आपको बहुत, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दवा है दर्द के लिए, दांतों के दर्द के लिए प्लांटेगो सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तुरंत इससे कुल्ला करेंगे, तुरंत आराम लगेगा। तो कैलेंडुला मदर टिंचर और प्लांटेगो मदर टिंचर, आधा कप पानी लीजिए, ना गुनगुना होना चाहिए ना ठंडा होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि अगर गर्म पानी से आपको सेंसिटिविटी है तो दिक्कत होगी, ठंडे पानी से सेंसिटिविटी है तो दिक्कत होगी। नॉर्मल टेम्परेचर में रखिए पानी को, और आधे कप पानी में लगभग 10 बूंद कैलेंडुला मदर टिंचर डालिए, 10 बूंद ही प्लांटेगो मदर टिंचर डालिए, और दिन में 2 से 3 बार
आपको कुल्ला करना, थोड़ा थोड़ा डाल के कुल्ला करवाइए बच्चों को। अगर उन्हें दांत के दर्द की समस्या है तो कैलेंडुला मदर टिंचर और प्लांटेगो मदर टिंचर दोनों को ही थोड़ा थोड़ा डालें 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में और थोड़ा थोड़ा करके कुल्ला करें। अगर गलती से इसे पी भी जाते हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन कोशिश ये करना है कि इसे पीना नहीं है, सिर्फ कुल्ला ही करना है। तो कैलेंडुला मदर टिंचर और प्लांटेगो मदर टिंचर से दिन में 3 से 4 बार कुल्ला करें और मेडिसिन यूज़ करें। पहली दवा है बेलाडोना। दोस्तों बेलाडोना दांत के दर्द की सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और अगर आपको दांत में दर्द है, टूथ डिके की समस्या है या टीथ डिके की समस्या है तो बेलाडोना ज़रूर यूज़ करना चाहिए। बेलाडोना इन्फेक्शन को ठीक करती है, खासकर इन्फ्लामेशन को ये ठीक करती है, जो रेडनेस है, जो मोस्टली जब डिके होता है ना तो हम तुरंत शुरुआत में दवा नहीं लेते, हम आखिरी स्टेज में दवा लेते हैं जब पस फॉर्मेशन होने लगता है और जब दर्द होता है, तो ये पस फॉर्मेशन को ठीक करती है, ये दर्द को ठीक करती है। बेलाडोना 30 एक बूंद सुबह दीजिए, एक बूंद शाम को, बच्चों को अगर बड़े हैं तो 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार लीजिए। दूसरी दवा है स्टेफाइसेग्रिया 30। दोस्तों स्टेफाइसेग्रिया टूथ डिके टीथ डिके की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दांतों के दर्द के लिए। ये दवा बहुत अच्छी है, पस फॉर्मेशन हो गया है, पल्ब जो है उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन है, बहुत ज़्यादा सूजन है, तो स्टेफाइसेग्रिया का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। ये इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन सूजन को ख़त्म करती है और ठीक कर देती है। तो स्टेफाइसेग्रिया 30 आप लगभग बच्चों को एक बूंद सुबह शाम दीजिए, बड़ों को 2 बूंद दिन में 3 बार दीजिए। ये 2 मेडिसिन यूज़ करिए, साथ में कैलेंडुला मदर टिंचर और प्लांटेगो मदर टिंचर यूज़ करिए। अगर आप बड़े हैं तो फिर एक कॉम्बिनेशन मेरा ज़रूर वीडियो देखिएगा, टीथ पेन कॉम्बिनेशन या टूथ पेन कॉम्बिनेशन डॉक्टर कीर्ति विक्रम करके यूट्यूब पर सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा कम शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आपको प्लांटेगो मदर टिंचर, एक मदर टिंचर आती है क्रियोजोट मदर टिंचर और एक आती है बेलाडोना मदर टिंचर। तो प्लांटेगो मदर टिंचर लगभग 50%, क्रियोजोट मदर टिंचर लगभग 30% और 20% बेलाडोना मदर टिंचर। इस अनुपात में आपको मिलाना है, एक 100 ml की खाली सीसी ले आइए, थोड़ा छोटी भी ला सकते हैं, और 30-30 ml की ये तीनों दवा होम्योपैथिक शॉप से लेके आइए और मिला दीजिए इसी अनुपात में और फिर हिलाइए बस। अब इसको आपको दो तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, एक तो जहाँ पर टूथ डिके की प्रॉब्लम है वहाँ पर आप रुई में थोड़ा सा इसे लीजिए और दबा लीजिए और थूकते जाइए। इसे लीलना नहीं है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, लीलना बिल्कुल नहीं है, आपको सिर्फ थूकना है। तो इसे थूकते जाइए, दिन में 2-3 बार ऐसा करेंगे, दर्द में तुरंत आराम लगेगा। इसके अलावा आप चाहे तो आधे कप गुनगुने पानी में, सॉरी नॉर्मल पानी में, गुनगुना मत यूज़ करिएगा, कई बार गुनगुने पानी से प्रॉब्लम होती है, तो नॉर्मल पानी में आप लगभग 15 बूंद डालिए और इसे थोड़ा थोड़ा करके कुल्ला करिए। इसे पीना नहीं है क्योंकि इसमें क्रियोजोट मदर टिंचर है और क्रियोजोट मदर टिंचर को पिया नहीं जाता, लेकिन ये दांत दर्द के लिए बहुत इफेक्टिव है और क्रियोजोट मदर टिंचर से जो वहाँ पर तुरंत जो कालापन है, जो इन्फेक्शन है, उसमें तुरंत आराम लगता है, मतलब बिल्कुल तुरंत आराम लगता है। और क्रियोजोट मदर टिंचर बहुत फ़ायदेमंद दवा है, लेकिन सिर्फ दांत दर्द के लिए और कुल्ला करने के लिए। तो मोस्टली इसे दिन में 3 से 4 बार कुल्ला करना है। बाकी आप ये मेडिसिन यूज़ करें, बेलाडोना 30 स्टेफाइसेग्रिया 30 जैसा कि मैंने बताया है, आपको बहुत आराम लगेगा, इसे तुरंत आराम लगेगा और फिर आप ये कंटिन्यू करिएगा। हाँ, अगर दांत पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है, पूरा गल चुका है, तो दांत वापस से नहीं आएगा, उसके लिए तो आपको डेंटिस्ट को ही दिखाना पड़ेगा। लेकिन जो दांत में दर्द है, दांत में सूजन है, सेंसिटिविटी है, वो ठीक हो जाएगी इस मेडिसिन से। तो आप ज़रूर ये मेडिसिन यूज़ करके देखिएगा। लास्ट में एक हैकला लावा टूथ पाउडर आता है वीजल का, मैंने बहुत बार इसके बारे में वीडियो बनाया, आप चाहें तो यूट्यूब पर सर्च करें हैकला लावा टूथ पाउडर वीजल डॉक्टर कीर्ति विक्रम, आपको मिल जाएगा, वीडियोज़ भी मिल जाएंगे, उसमें मैंने सब कुछ जानकारी दी है। मैं सिर्फ यहाँ पर कम शब्दों में आपको बताऊँगा क्योंकि काफ़ी वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो आपको इसे दिन में 2 बार सुबह शाम मंजन करना है, हाथ में रखिए, या तो उंगली से करिए या तो आप ब्रश से करिए। इसे मंजन करने से बहुत फ़ायदा होता है और मैं आपको बताऊँ, मैं खुद
इसी से मंजन करता हूँ। इससे दांत बहुत जल्दी साफ हो जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं। अगर दांत आपके काले भूरे ख़राब हैं तो ज़रूर यूज़ करिए। तीसरा फ़ायदा, सेंसिटिविटी में आराम लगता है। चौथा फ़ायदा, अगर दांतों में दर्द है, कैविटी है, वो भी ठीक होती है। तो इसे आप रेगुलर सुबह शाम करें। ये मेडिसिन दांतों के दर्द के लिए, होम्योपैथिक मेडिसिन जो मैंने बताई है, ये दांतों और डेंटल हाइजीन के लिए, दांतों के दर्द के लिए, टूथ डिके के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपके दांत में सड़न आ गई है तो आप अपने डेंटल हाइजीन का ज़रूर ध्यान दें, सुबह शाम ब्रश करें और साथ ही साथ ये मेडिसिन यूज़ करें। धीरे धीरे एक दो दिन में आपको आराम लगेगा और फिर आप ये मेडिसिन कंटिन्यू करें। खासकर हेक्ला लावा टूथ पाउडर और जो आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे उससे आप कुल्ला करें, आपको तुरंत आराम लगेगा। ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है और अच्छे रिजल्ट्स देती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, नीचे एक शेयर की बटन दिया ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।